अपन ने इसको 55 पे उठाया था, ठीक है अभी 64 ऐसा कुछ चल रहा है, 62, तो देखते हैं कितना खींचता है। तो ये था अपना बैंक निफ्टी के अंदर। फिर निफ्टी इसलिए नहीं गया क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। नहीं कर रहे तो हो जाएगी अच्छी ट्रेडिंग, बट सीख के ही करो, बिना सीखे मत करो, ओके। और बाकी हमारा आज है ट्यूसडे, फिर निफ्टी का एक्सपायरी, तो किस तरीके से आज हम ट्रेड करते हैं वो हम देखेंगे। और थोड़ा सा कल जो अपन ने थोड़ा ओवर ट्रेड और फोमो में ट्रेंड मिस किया था, या ट्रेंड मिस करने के बाद फोमो में ट्रेड किया था, वो गलती आज नहीं होगी। और वो गलती आप भी मत करना। मैं कल रील बनाया था, उसमें मैंने कमेंट से किया था भाई मैंने भी किया, तो मैक्सिमम लोग वही करे थे, वो होता है, ठीक है। अपना हमारा काम वो चीज़ आपके साथ शेयर करना कि वो आपके साथ ही नहीं हो रहा, हर किसी के साथ होता है। बट ये है कि ट्रेडिंग के अंदर माइंडसेट और साइकोलॉजी को जितना ज़्यादा स्ट्रांग रखोगे, जितना अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करके रखोगे, जितना अपनी स्ट्रेटजी से भरोसा करोगे, उतना अच्छा आपका ट्रेडिंग चलेगी, ठीक है। तो अभी मार्केट होता है ओपन और अपन करते हैं चार्ट ट्रेडिंग। तो दोस्तों मार्केट की ओपनिंग हो चुकी है, अच्छा खासा जो हमारा निफ्टी है गैप के साथ, फिर निफ्टी भी गैप के साथ, बैंक निफ्टी भी गैप के साथ खुला था, बट स्लाइडली थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया प्रॉफिट बुकिंग। और यहाँ फिर निफ्टी भी अपना जो प्रीवियस डे हाई है उसके ऊपर रुका है। और निफ्टी का तो क्या ही कहें, रोज का रोज लगातार 4-5 दिनों से गैप अप, उसके बाद गैप वगैरह की होल्ड करता है मार्केट। और यही हमारा जो भी एक ट्रेड हुआ था फिर निफ्टी, इस मोमेंटम में घुसे था 40 पर उठा के 50 पर एग्जिट इस कैंडल के अंदर। और हमारे पास एक छोटी सी क्वांटिटी के साथ अपना जो हो चुका है फर्स्ट ट्रेड डन हो गया, फर्स्ट ट्रेड हमारा, तो अभी एक ट्रेड हो चुका है। लेट्स सी, अभी हमारे पास कोई अगर ट्रेड बनता है तो अगर यहाँ पर रुकता है तो ये अब मूव फिर से दे सकता है, बट अभी थोड़ा साइडवेज होने की वजह से ज़्यादा प्रायोरिटी लग रही है। तो अभी यहाँ पे अपना एक स्कैल्पिंग मूव पकड़ने की तैयारी चल रही है, और अपन का चल रहा है एक स्कैल्पिंग मूव। ये थोड़ा सा अटकता क्यों है, लेट्स सी। अपन ने इसको 55 पे उठाया था, ठीक है अभी 64 ऐसा कुछ चल रहा है, 62, तो देखते हैं कितना खींचता है। सो प्राइस रुक रहा है नीचे आ रहा है, आया मूव आया, ओके 20,000, 21, 18, 19, ओके 19, प्राइस रुक रहा है, एग्जिट मारे 62 एग्जिट लोज, ठीक है हो गया। तो ये अपना एक स्कैल्पिंग मूव कैप्चर्ड, इन्वेस्टेड अमाउंट एक तरीके से लाख रुपए के आसपास इसमें कुछ इन्वेस्टेड था और 61 के अराउंड निकला है, तो बस अपना 10% का एक स्कैल्पिंग मूव कैप्चर्ड। इस पर वापस से एंट्री किया था 1800 क्वांटिटी से फुल साइड में, तो वहाँ से फिर ये हम थोड़ा सा गिर गए थे, तो मैं इसमें निकल गया। और जो दूसरा अपने पकड़ा एक स्कैल्पिंग मूव पकड़ा है, तो ये 64 के अराउंड भी गया था एक टाइम पे, बट आपको पता नहीं होता एग्जिट यहाँ 65 पे टच के गया था, 55 पे उठाया था। तो सिंपल से स्कैल्पिंग ऐसे मूव आपको पकड़ने पड़ते हैं, बट बड़ी क्वांटिटी हो तो मैं तो अभी थोड़ा सा OTM या ATM पर चल रहा हूँ। अगर आप बड़ी क्वांटिटी हो तो हमेशा इन द मनी में उठाया करो, तो ऐसे में आपको स्कैल्पिंग मूव मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी रुक रहा है प्राइस, इसलिए मैं इससे निकला हूँ। और 10%, अगर 1,00,000 इन्वेस्टेड था, 12,000 बना, तो अराउंड एक तरह से 12% का सीधा रिटर्न। तो ऐसी ही तरीके से स्कैल्पिंग की जाती है, 10-12% का, ऐसा 10-12% का रिटर्न, तब जाके आपको कुछ ना कुछ पैसा दो जो जब बना के ले जा पाते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं ये प्राइस, अगर कैंडल नीचे क्लोज होती है तो अपन जाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी तो ज़बरदस्त गिर रहा है फिलहाल, बैंक निफ्टी नेगेटिव में आ गया है और इसने डाउनफॉल यहाँ से दे दिया, तो कुछ एंट्री इसमें बनाई जा सकती है, निफ्टी में भी कुछ बन सकता है। तो दोस्तों अपने फिर निफ्टी को एग्जिट किया था, फिर हमने पोजीशन बनाया निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी के अंदर चलना सेफ होता है थोड़ा सा, क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप ज़बरदस्ती एक्सपायरी वाले इंडेक्स में ट्रेड मत किया करो, बहुत बुरा फंस सकते हो। अगर आपने ट्रेंड कैप्चर कर लिया, ठीक है, नहीं हुआ तो ज़बरदस्ती मत घुसा करो, ठीक है। तो अभी फिर निफ्टी का देखो, यहाँ पर मने वास प्राइस आया नीचे, सपोर्ट लेना था सपोर्ट पर, यहाँ पर 9 EMA को सपोर्ट लेना था, बट मार्केट ने नहीं लिया यहाँ पर सपोर्ट, और दे दिया एक बिग बार दे दिया। और हमारे बिग बार सेटअप में अर्ली एंट्री सेटअप है, ठीक है, अर्ली एंट्री सेटअप आप सभी को पता होगा। अर्ली एंट्री क्या, 9 EMA पे आके प्राइस ने रुक के सपोर्ट लेके अप मूव देना चाहिए, बट डायरेक्ट कोई भी कैंडल सीधा 9 EMA के नीचे बिग बार बना क्लोज करती है, हमें उसके बाद ईजी एक स्कैल्पिंग मूव मिल जाता है। तो इसमें हमारे को एक जी स्कैल्पिंग मूव मिला था, तो अपन ने जो अभी इस स्कैल्प में 19,400 पुट ऑप्शन अराउंड 24,000 का प्रॉफिट हमने बुक
किया है, सीधा इसको 105 पे उठा के 120 पे मैं निकाला हूँ। अभी ये इसलिए ट्रेन को तोड़ा है, अभी ये टेस्ट करने जा रहा है, या हो सकता है ट्रैप करके घुमा दे, तो लेट्स सी क्या करता है। अभी वैसे तो ये ऊपर साइड ट्रैप करके नीचे लाया है, अब नीचे साइड ट्रैप करके हो सकता है ऊपर लाए, फिर ये कुछ ऐसे करके देखते हैं क्या करता है। ये कैंडल यहाँ देखो ऐसी आई है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा डीप रेड कैंडल आया था है ना, और उसके बाद इस कैंडल ने इसको इनगल्फ नहीं किया, बट यहाँ का प्रीमियम देखो इनगल्फ करके नीचे ला चुका है, और क्योंकि आज एक्सपायरी भी है थोड़ा सा प्रीमियम को ऑब्जर्व करना जरूरी है, और वहीं हमारा जो कॉल ऑप्शन है उसके प्रीमियम थोड़ा सा अपमूव दे रहे हैं। यहाँ से इसने इनगल्फ किया ये प्योर प्राइस को फॉलो, और यहाँ पर इनगल्फ नहीं हुई थी कैंडल, बट यहाँ पर इनगल्फ हो चुकी है, ठीक है देखोगे। तो एक तरीके से कह सकते हो बुलिश डायरेक्शन में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है, और सीधा लोग बाइंग पोजीशन बनाना स्टार्ट करते थे। तो लेट्स सी हम क्या करते हैं आज, क्या रहता है हमारा। और 40,000 हमारा बन चुका है, अभी टाइम हो रहा है 10 बजे, तो 40,000 भैया 40,000 तो हमने कमा लिए, ठीक है। तो दोस्तों एक और हमारा बिग बात पर स्कैल बन चुका है, तो आप देखा होगा मैं किस तरीके से स्कैल्पिंग के डिसीजंस लेता हूँ टाइम टाइम पे। तो अभी यहाँ पर प्राइस देख उस यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आना चाहिए था, बट इसने इमीडिएट एक बिग इसको इनगल्फ करके बिग पार दे दिया यहाँ पे। ये भी हमारा अर्ली एंट्री सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे टारगेट या एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी, बट इसी कैंडल में निकल गया था, क्योंकि मुझे 10% ईजिली मिल गया, 90 पर आगे 98-99 में एग्जिट कर दिया, 10% में मिला है, ठीक है। तो हम जो क्लोज कर रहे हैं अभी 56,000 के प्रॉफिट पर। इस पर्टिकुलर ट्रेड हमारा 15,000 रुपये बना था, 1.5 लाख रुपये लगा था, एक लाख साठ हज़ार, तो ये टाइमली हम एग्जिट कर गए। दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं देने वाला हूँ, देने क्या लर्निंग क्या है, मतलब मेरे को जो समझ में आता है मैं वो बताने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। तो अपने पास एक बार जो स्कैल्प हुए थे ओके, तो अपन ने एक और स्कैल्प अभी किया है, मैं आपको उसके उस ट्रेड में इमीडिएटली घुसा था है ना, और क्यों घुसा था मैं आपको एक बार एक लॉजिक देता हूँ, ठीक है। आप मेरे सेटअप पे बहुत लोग काम कर रहे होंगे बिग बार पे, यार हाँ बिग बार का मतलब एक स्ट्रेंथ होता है मार्केट के अंदर, स्ट्रेंथ आता है तो वहाँ पर बिग बार्स बनती हैं, आप काफ़ी लोग उस पर काम कर रहे होंगे। तो एक बार आपको एक चीज़ दिखाता हूँ प्रीमियम के अंदर, सपोज करो आपका यहाँ पर मेरे पास ट्रेड लेने का एक लॉजिक क्या था, यहाँ पर वो उतना खास बिग बार बना नहीं, एक तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस भी था यहाँ पर, उतना खास बिग बार बना नहीं था, बट ये 9 EMA पर सपोर्ट लेके इसने एक हेल्दी कैंडल यहाँ बनाई थी, उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी, बट मैं इसी का फिर निफ्टी का 20,400 की अगर कॉल ऑप्शन को चेक करता हूँ, तो यहाँ पर पूरा मार्केट इस जगह पर देखो ये क्या था, एक ये देखो ये थोड़ा सा इतना, लेकिन यहाँ पर बनी थी बिग बार अराउंड 45 से सीधा 60 का एक बिग बार इसने हेल्दी कैंडल बनाया था, और ये चीज़ ऑब्जर्व करना है बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप बिग बार पर काम कर रहे हो तो। उसके बाद देखो प्रीमियम, तो इसमें इमीडिएटली 60 के अराउंड चला गया था, और मैं 85 के आसपास इसको एग्जिट किया हूँ, और यही अपना सिर्फ एक कैंडल का स्पाइक था इसके बाद, और ये काफ़ी अच्छा स्पाइक इसने दिया है। तो हमेशा बिग बार जब भी आप काम कर रहे हो या कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो, तो देखना कि वो जो कैंडलस्टिक आप पकड़ रहे हो स्पॉट चार्ट में, वो कैंडलस्टिक क्या आप के प्रीमियम चार्ट में फॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ बहुत सारी जगहों पर बिग बार बने थे, बट वो चीज़ें आपको प्रीमियम के चार्ट में नहीं दिखी होंगी। अभी क्लोज कर रहे हैं 96,000 के प्रॉफिट में, और ये पर्टिकुलर ट्रेड में 34,000 हमने बनाया था, और इसका स्पाइक आप देख रहे होंगे, तो ठीक था अराउंड 2,20,000 ऐसा मैक्स कैपिटल मेरा आज यूज़ हुआ, और 96,000 50% का रिटर्न सीधे सीधे स्कैल्पिंग से। सो फाइनली तो एक ट्रेड अपन ने बैंक निफ्टी में गया था, आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी था, ठीक है। तो क्वांटिटी और बाइंग सेलिंग प्राइस मैं आपको बता देता हूँ ओके। तो अच्छा मतलब ये ट्रेड काफ़ी मुश्किलों से मैं शायद इतना बड़ा ट्रेड होल्ड किया हूँ, मैं एक स्कैल्पर पोजिशनल बना, और इसका मेरा सीधा सीधा था जो मैंने आज का प्रॉफिट बनाया था उसको मैं सीधा इसके बाद 91 लाख रुपये मैं इसके बाद देखे गया देने की प्लानिंग थी, और काफ़ी टाइम बाद एक ट्रेड मैं कैप्चर कर पाया हूँ, और उसका एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे कौन सा था। तो ये था अपना बैंक निफ्टी के अंदर, फिर निफ्टी इसलिए नहीं गया क्योंकि आज इसके एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी इसलिए पकड़ा था इसको क्योंकि इसका एक्सपायरी परसों है। तो यहाँ पर देखो प्राइस ने अपमूव दिया, फिर सडन डाउनफॉल यहाँ पर आ गया, एंड यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर एक सपोर्ट था थोड़ा सा है ना, तो अपन ने यहाँ पर इमीडिएट एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया था इस कैंडल के बाद, पहले ही कैंडल अपमूव दिया थोड़ा सा, और जैसे ही यहाँ से डाउन मूव देने लग गया तो यहाँ पर अपना एंट्री बन गया, और इसके हाई का इसके अगर ऊपर निकल जाता हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर दिया था अराउंड 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के आसपास में यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। और ये इमीडिएट हमारे को सीधा सीधा दे के चला गया टारगेट, दो कैंडल आ गई, तो फिर मैंने इसको
होल्ड लिया क्योंकि इस ट्रेड में अपन ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहे थे, तो होल्ड किया क्योंकि ये बहुत दो डीप रेड रेड कैंडल आई थी, दो बड़े बिग बार आए थे इसमें। एंड देन डोजी डोजी पे मैं कुछ क्वांटिटी को एग्जिट करने का प्लानिंग कर रहा था, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मैंने क्वांटिटी निकाला, 25% एग्जिट मारा। फिर इस बड़ी कैंडल आ गई, इसमें एग्जिट मार दिया पूरी क्वांटिटी, ठीक है। बाकी 9000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 3,230 रुपीज़ एंड एग्जिट टोटल क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया हमने 350 पे और 230 पे। पूरी बाइंग पोजीशन अपन ने बनाई थी और 300 पे हमने 25% क्वांटिटी को एग्जिट किया। तो बाकी आप गेस कर सकते हो क्या रहा होगा प्रॉफिट। थोड़ा सा है ना साइंसिटिव चीज़ रहता है मेरे लिए, क्योंकि मैं आपको एक पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि बड़े अमाउंट्स बड़े डिजिट्स में आपको नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज ऑफ लॉसेस हैं। लॉसेस जब होगा जो बड़ा होगा जैसा होगा अपन दिखाए थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे और भी सही होता है अपने को कि भैया हाँ हम तो बहुत नुकसान में चल रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट का वो एक बड़ा डिजिट होता है तो क्लिक करता है किसी ने किसी को, तो उससे अपने को कुछ प्रॉब्लम होती है ना हर चीज़ हर तरीके से। तो दोस्तों अभी आ गया हूँ जिम से, नहा धो भी लिया है और अभी मैं पहले डिनर करता हूँ, फिर आपके लिए और रिकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहा है, रिकॉर्डिंग आपके लिए होनी है, आप सीख के करो जो भी करो, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही यार ऑप्शन बाइंग में विन रेट बहुत कम है और लॉसेस होते हैं, आपने लॉसेस देखे हैं। फिर अपने सेटअप पर टिके रहो, अपने स्ट्रेटजी से बने रहो, एक ना एक दिन आप अपनी स्ट्रेटजी में मास्टर कर जाओगे, ठीक है। बाकी क्या था आज का, वो मैं आपको कैसे क्या था आज की साइकोलॉजी माइंडसेट, क्या मैंने किया रिस्क क्या लिया, वो मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा। बट क्या है अपना जो पीएनएल है, बड़े प्रॉफिट्स मेरे को दिखाने का कोई ऐसा वो नहीं रहता कि मेरे को चलेगा ना कि ट्रेडिंग से बनाया है ये प्रॉफिट, आओ इसको ज्वाइन करो, आओ तुम्हारा भी होगा, ऐसा नहीं है, मिस गाइड नहीं करता। इसलिए मैं हर चीज आपको लॉसेज ये होते होते दिखाते रहता हूँ ताकि आपको अब अवेयर हो, है ना। तो अभी हम पहले खाना खा लेता हूँ, फिर करता हूँ आपसे डिस्कस। तो दोस्तों अभी अपना डिनर विनर हो गया है और जिम भी आप देखा होगा कुछ खतरनाक जिम करता है तुम्हारा भाई, और यहाँ पे अभी कुछ चल रहा है चार्ट एनालिसिस और आज का जो अपना ट्रेड था वो इस पे सो तो मैंने आपको दिखाई दिया, आपने पूरा देखा हो, बार बार दिखाना वो भी ठीक नहीं है एक ही चार्ट बार बार। तो मैंने जो आज जिस तरीके से ट्रेड किया था मैं उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप वैसा ट्रेड करिए या उस तरीके की ट्रेडिंग कभी भी करो, क्योंकि मैं यूजुअली 5 लाख का कैपिटल यूज करता हूं अपने पर ट्रेड में। मैंने आज 20 लाख का कैपिटल अपने डीमैट अकाउंट का 100% कैपिटल यूज किया था, ठीक है। इसलिए मैं उस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा या उस चीज को शोकेस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो आपके लिए एक तरीके से मिसगाइड करने वाली चीज हो सकती है, ठीक है। लॉसेस मैं हमेशा आपको शेयर करता रहता हूँ पर डे का क्या क्या रहा कैसे कैसे था, क्योंकि उससे आप सीखोगे, उससे आपको सीखने को मिलेगा, नहीं प्रॉफिट से आप कुछ सीखने वाले नहीं हो और खासकर बड़े बड़े प्रॉफिट से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बल्कि आदमी मिस गाइड होता है कि यार हाँ इतना बड़ा प्रॉफिट इतना अच्छे हो जाता है, नहीं मैं 20 लाख का कैपिटल अपने डीमैट अकाउंट का 100% कैपिटल लगा के बैठा था, मेरा 96-97,000 का प्रॉफिट चला था स्टार्टिंग में, उसको मैं रिस्क पे लेके ऊपर से 2 लाख का और रिस्क लेकर आऊँ, 3 लाख के आसपास का एसएल प्लान करके मैं उस ट्रेड में घुसा था, क्योंकि मेरे पास परफेक्ट सेटअप बना था। और सेटअप क्या बना था मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो जब वो परफेक्ट सेटअप बना था तो उस पर रिस्क लेना बनता, और मैं निफ्टी आपका फिन उसमें भी नहीं गया हूँ, क्या कह सकते हो उसको, आपका फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी उसमें नहीं गया क्योंकि मेरे को सेफ चलना था, क्योंकि हम अपने पास क्या होते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी परसों को है, तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान किया। तो और ऐसा नहीं है मेरा जो बड़ा अकाउंट उसमें जिसमें स्विंग ट्रेडिंग होती है उसमें मैंने काफी बार ट्रेड किए हैं, बट ऐसा है कि हाँ अपने को बड़े अकाउंट से बीच बीच में जो बड़ा कैपिटल है मेरा जो कैपिटल है उससे मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर 4-5 लाख से ही लगा रहूंगा तो कहीं ना कहीं मैं उसी में बदा दे जाऊंगा, वो मेरे लिए करेंगे ना कुएं का मेढक रह जाऊंगा मैं। तो मेरे को अपना कैपिटल का यूज पूरा करना पड़ता है, वो इसीलिए रखा जाता है आपके अकाउंट में, आप अपना कैपिटल इसीलिए रखते हो कि जब आपका 99% एक्यूरेट सेटअप कभी बन रहा हो, आपको लगा हो कॉन्फिडेंस आ रहा हो, तब आप उतना ओवरऑल कैपिटल का 80-90% उसमें डिप्लॉय करें, इसीलिए ओवर कैपिटल रखा जाता है। तो इसीलिए रखा था, एक बार क्या प्रॉफिट रहा आप खुद गैस कर लेना, मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊंगा नहीं, बट मैं इंस्टा पर स्टोरी डाला था उसमें थोड़ा सा हिडन किया हुआ है, तब जाके आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है अपना आज का जो था, अब इसको आप गैस कर लो क्या रहा होगा कैसा रहा होगा, ठीक है। जो भी है नीचे से कमेंट करके बता देना, बट मैं आपको कभी भी बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखा के आपको ऐसा क्या होता है ना मैनिपुलेट नहीं करने की नहीं करता हूँ ना कभी करूँगा, ठीक है। कभी ठीक है जो चीज़ दिखाने लायक होगा रिस्की था ये आपको मिसगाइड वाला करने वाला हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ मैं सीख के ट्रेडिंग किया हूँ करता हूँ वही चीज़ मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ ना। जो चीज़ मेरे लिए नुकसानदायक रही है, जो मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में मैं 20 लाख का प्रॉफिट देके मार्केट में घुसा था, तो मुझे लगा था इतना आसान होगा, लेकिन मैं 40 लाख के कर्जे में डूब गया था। तो वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। बाकी आपके लिए क्या बोलते हैं जो अभी अपना कंटेंट आने वाला है
ठीक है, ये बंद क्यों हो गया भैया, खुल जाओ। ठीक है, तो आपके लिए जो कंटेंट आने वाला है इस पे, इसके लिए आप, मैंने क्या बोलते हैं, ऐप के अंदर आपका इंट्रो वीडियो डाल दिया है। इंट्रो वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा क्या क्या है, बट ये है कि उसके अंदर हमने एक गूगल शीट दे रखी है। तो आपका जो जिसमें भी डीमैट अकाउंट है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, तो आपका डीमैट अकाउंट अगर उससे खुला है तो ठीक है, नहीं खुला है तो आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर लीजिए और वो एक्सेल शीट को भर देना। उसमें वो नंबर या वो जीमेल आईडी जिससे भी आपने लॉगिन किया, जिस नंबर से किया, वो नंबर उसमें आप डाल देना वो गूगल शीट में, फॉर्म फिल करके हमें सबमिट कर दीजिए। हम बैक एंड से आपको जिस दिन कोर्स लॉन्च होगा उस दिन कोर्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी कुछ दिन है, 9 जुलाई तक काफ़ी दिन है, तब तक आप अपने मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, उससे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, या आप ऐप के अंदर जाओ। ऐप के अंदर उसमें गूगल शीट है, गूगल शीट फॉर्म को अगर आप भरते हो, ठीक है, तो उसमें लिखा है कि आपका हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप नहीं पकड़ेंगे तो आपको लोग वहीं पर भेज देगा, वहाँ पर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। फ्री डीमैट अकाउंट ओपन होता है अभी की डेट में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप अपना डीमैट अकाउंट अपने अपने हमारे दिए लिंक से ओपन करेंगे, तो कल के दिन में आप सीख के ट्रेड करते हो तो अपने ब्रोकर को तो आप बना ही दो अमीर, तो ब्रोकर कुछ कमीशन हमें दे देगा। ठीक है, अब और क्या सच बोलूँ, तो ब्रोकर कुछ कमीशन हमें दे देगा, तो अब हमारा भी ये रहेगा कि यार हमने अपन से सीखे बंदे कर दे, तो थोड़ा बहुत आपकी ट्रेडिंग में ब्रोकर का कुछ हिस्सा, 10-20% जो रेफरल अर्न वाला होता है, तो वो हमारे नसीब में आ जाएगा और अपने भी बीवी बच्चे पल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और ऐप डाउनलोड करके रखिए। ऐप के अंदर इंट्रो वीडियो आ चुका है, उसके अंदर एक एक्सेल शीट आई हुई है, उसको आप फिल कर देना, और उसमें अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट नहीं ओपन किया है तो वो हम बैक एंड से आपको ऐड नहीं कर पाएंगे फ्री कोर्स के अंदर। बाकी अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हो। कल हमने पोस्ट किया था, अराउंड 200-250-300 लोग उसमें, लोगों ने वो कर दिया है, फॉर्म फिल कर दिया है, बट उसमें आधे से ज़्यादा लोग वो थे जिन्होंने हमारे जिनका अकाउंट हमारे लिंक से ओपन नहीं है, तो उनको भी मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि आप कर लीजिए, ताकि हम आपको ईजिली एक्सेस आपको कोर्स का दे पाएँ। ठीक है, बाकी यही था मेरा आज का ब्लॉग, और आज का दिन था ठीक। ठीक है, इसलिए मैं गया था भाई, अपने सेटअप स्ट्रेटजी को कभी मत छोड़ो, लॉसेस देखे हैं ना। ठीक है, तो लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखो, इसीलिए मैं लॉसेस आपको दिखाता हूँ कि हाँ ये होता है, ताकि आप एक्सेप्ट करके चलो और अपना माइंडसेट ठीक रखो और रियलिटी के साथ वाकिफ रहो। ठीक है, बाकी यही था मेरा ब्लॉग। बाकी आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ क्या रहा होगा अपना आज का। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।